सरकारी नौकरियों की चाह रखने वाले अब युवाओं के लिए एक बड़ा सुनहरा मौका निकला है। दरअसल आपको बता दें कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने कई सरकारी पदों पर बहाली निकली है। इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी है हमारे पास, हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने नवगठित 109 नगर पंचायत और 8 नगर पार्षद सहित 117 नए नगर निकायों में कई पदों पर बहाली निकाली है। बताया जा रहा है कि नगर निकायों को फंक्शनल बनाने के लिए नए पद सृजन किए जाने के साथ ही सृजित पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। फिलहाल संबंधित डीएम के स्तर पर हर नवगठित नगर निकाय को 5-5 कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन सृजित पदों पर नियुक्ति में हो रही देरी को देखते हुए तुरंत एजेंसी के माध्यम से हर नगर पार्षद को 10 और नगर पंचायत को 8 सहित कुल 992 कर्मी उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और नए साल के पहले तक कर्मी उपलब्ध भी हो जाएंगे। आपको बता दें कि नवगठित कई नगर निकायों में कार्यपालक पदाधिकारी यानी कि ईओ के खाली पदों को देखते हुए नजदीकी नगर पार्षद के कार्यपालक पदाधिकारी को इसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रत्येक नगर पंचायत को 2 आईटी बॉय, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर, 2 टैक्स कलेक्टर और 1-1 अकाउंटेंट और सफाई निरीक्षक, जबकि नगर पार्षद को 3-3 आईटी बॉय और कंप्यूटर ऑपरेटर, 2 टैक्स कलेक्टर और 1-1 अकाउंटेंट और सफाई निरीक्षक मिलेंगे। पहले चरण में विभाग इन निकायों में साफ सफाई और सीमांकन कार्यों पर फोकस करेगा। उसके बाद मानव बल उपलब्ध होने पर धीरे धीरे स्ट्रीट लाइट, पेयजल और सड़क सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं पर भी योजना बना कर दी जाएगी। नगर नवगठित निकायों को क्रियाशील बनाने और तत्काल किए जाने वाले कार्यों पर विचार कर अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु विभाग स्तर पर एक समिति गठित की गई है। इस समिति के साथ ही अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारियों को भी विभाग ने सुझाव उन लोगों के लिए है। इसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि नवगठित, उत्क्रमित एवं विस्तारित नगर निकायों को 6ठे वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग की राशि आवंटित करने के लिए विभाग स्तर से अविलंब वित्त विभाग को पत्र लिखा जाएगा। इसके साथ ही इसमें 2 पदों के सृजन एवं सृजित पदों के विरुद्ध जल्द नियुक्ति को लेकर संबंधित प्राधिकार को अधियाचना भेजी जाएगी। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।